एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल, वी होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए फ्लिपकार्ट हॉल लाई हूँ जिसमें मैं बहुत ढेर सारा विंटर वेयर दिखाऊंगी एंड कुछ एक दो चीज़ें मतलब जैसे बैग और कुछ होम डेकोर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है जो आप इजिली परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना किसी लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हैं कुछ चीज़ें जो मैंने ली हैं, तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट स्वेटर, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनका सीरियसली बहुत अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने इसे फ्लिपकार्ट देखा था तो मुझे लगा था पता नहीं कैसा आएगा, मतलब स्वेटर और विंटर वेयर उसमें मैंने सोचा था पता नहीं कैसा आएगा, बट मैंने इसे एक बार पहन के बस ट्राई किया है। ये सच में बहुत वार्म है एंड आप इसे विंटर में बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। मतलब ये स्वेटर है, मैंने इसे मीडियम साइज में ऑर्डर किया है, आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। एंड मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकंड है ये जैकेट। एक्चुअली मुझे वाइट एंड ब्लैक बहुत पसंद है कलर, मैं ज़्यादातर वाइट ब्लैक ही पहनना प्रेफर करती हूँ अपने आप को। ये जैकेट है, इसे मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है पहन के, बिल्कुल ट्राई तक भी नहीं किया है। एंड ये कुछ कहाँ चला गया, हाँ ये कुछ ऐसा है, आप ओपन करेंगे देन लाइक दिस, ये कुछ ऐसे टाइप में है। और ये मुझे मतलब ऐसे होता नहीं, जैसे टच करने पे काफ़ी पफी पफी टाइप का है। ये भी मुझे अच्छा ही लगा है, अब देखते इसको पहन के मैं आपको बता सकती हूँ कि पता नहीं ये वॉर्म है कि कैसा है, बट ऐसे टच करने पे तो ऐसे पता चल रहा है कि हाँ ये थोड़ा बहुत वॉर्म है ही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जितने भी प्रोडक्ट है ये 500 के अंडर में है, या मे बी कुछ वो हो सकते हैं 500 के उस पर हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जितने हैं ये विंटर वेयर ये सब 500 के अंडर में ही हैं। या ये भी मीडियम साइज़ है, मैं जितने भी प्रोडक्ट मतलब विंटर वेयर अकॉर्डिंग कुछ समथिंग कुछ भी वेयर का ऑर्डर करती हूँ वेयरिंग वाला, तो वो मीडियम साइज़ ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ ही होता है। ये है, तो नेक्स्ट है ये हुडी पर्पल कलर की, ये क्रॉप हुडी है लाइक दिस। ये मुझे सच में इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मतलब क्यों ना एक बार देखते कि कैसा आता है। ये बहुत वार्म है, इसे मैंने पहन के चेक किया है कि पता चले मतलब ऐसे क्रॉप ऑर्डर किया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रॉप ऑर्डर करो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा छोटा आ जाता है, तो मैंने इसे पहन के चेक किया है और ये मुझे फिट पड़ा है। ये बहुत काफ़ी पफी पफी टाइप का है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड जो मेरा नेक्स्ट परचेज है वो है ये जीन्स। इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि मतलब जैसा शो किया था कलर वैसा नहीं आया है, बट ठीक है इट्स ओके, पहन लूँगी इसे भी पहन डालूँगी उसमें क्या है। ये कुछ ऐसे ऐसे टाइप में है, ऐसा मुझे शो नहीं किया था, मैं सोच रही हूँ इसे रिटर्न करने का मैंने सोचा था, बट मैं अब नहीं करूँगी रिटर्न इसे। ये मुझे काफ़ी फिट पड़ी है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे
रिटर्न ना करते हैं, पहन ही डालते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक जींस। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मुझे ये सच में बहुत अच्छी लगी है। जब ये ब्लू जीन्स मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने सोचा था यार मैंने ब्लैक की, ये पता नहीं वो कैसी आएगी, बट ब्लैक काफ़ी अच्छी आई है और ये बिल्कुल फिट पड़ती है मेरे एकदम, जैसे फिट 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 नहीं, और ये एकदम फिट पड़ रही है मुझे, कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सच में बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट है ये कर्टन, नेट वाला कर्टन है, ये मैंने अपने बैकग्राउंड के लिए लिया है। ये कर्टन है, और क्या। जो नेक्स्ट है वो है कुर्ती। आई नो गाइस, आप लोग कहेंगे कि विंटर आ गया है और समर टाइप की कुर्ती आपने ऑर्डर की, बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार ट्राई करते हैं। कोई नहीं, फैशन के लिए तो विंटर में कुछ भी चल जाता है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी टाइप की है, इसे मैंने बिल्कुल भी नहीं अब तक ट्राई तक भी नहीं किया है, पता नहीं कैसी होगी, बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं एक बार मंगा के। तो ये कुछ इस टाइप में है एंड यहाँ से बीच में ऐसे कट टाइप का है ये ना सी, और ये स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स नहीं दी हैं, मुझे लगा शायद स्लीव्स होंगी तो इट्स ओके। ये ब्लैक है और इसमें का मैंने सेम ऐसे थोड़ा वाइट में भी लिया था, शो यू। ये रखी रखी बिल्कुल, मतलब यू नो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे लिए हुए, मैंने सोचा था जब मेरे पास ढेर सारे आ जाएंगे प्रोडक्ट तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि अब मैं दो चीज़ का क्या रिव्यू दूँ क्या वो करूँ, तो इस वजह से मुझे ब्लैक से ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी जब ये आई सामने। ये भी एकदम ब्लैक जैसी ही है, बट ये जैसे ब्लैक थोड़ा ऊपर से कट है और ये बस नीचे साइड पे थोड़ी सी कट है। मीना ट्रैवल शो कहाँ गया, कहाँ गया ये, और क्या है, हाँ जो नेक्स्ट है वो है ये, अरे चिपक गया था, ये मेकअप बैग, इसे मैं खोल के दिखाती हूँ कहाँ से खोलूँगा, इसे तो मैंने अब तक खोला भी नहीं है, खुलता नहीं है, एक मिनट में दिखा रही हूँ, खुल जा। ये मेकअप बैग, शांति से वीडियो नहीं शूट करने देंगे, इतनी गाड़ियों की आवाज मैं क्या बताऊं। इसमें आप काफी ढेर सारा अपना मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हैं, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए आपको कोई बड़ा बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप इजीली अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हैं, इसमें बहुत स्पेस है सी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना सी, अच्छा है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बैग, इसे मैंने
एक बार वो किया, मैं कहीं गई थी तो मैंने इसे एक बार, मतलब मैं इसे एक बार लेके गई थी वहां पे। और इसमें यू नो इसमें ना ऐसे वाला लॉक है, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे घुमाने पे ऐसे लॉक हो जाता है और ऐसे ऐसे करने पे ऐसे खुल जाता है। हाँ ये क्या रखा है? अच्छा इसको थोड़ा ये रखे रखे ना ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा पिचक टाइप का जाता है, तो इसके अंदर मैंने ये रखा था ताकि थोड़ा मतलब ऐसे फूला रहे ना तो काफी सही रहेगा। ये देखिए इसमें 1, 2 और ये 3, 3 कंपार्टमेंट दिए हैं। और अरे ये सही से खुलता नहीं है, और 1 मिनट ऐसे रखे हैं। अच्छा हाँ मैं गई थी ना कहीं, तो हम लोग का ऐसा है ना कि हम लोग कोई भी बैग नया लेते हैं या कोई पुराना भी बैग होता है तो उसके अंदर कुछ पैसे डाल के छोड़ देते हैं, वैसे पड़ा रहता है। ये आप लोग सोचेंगे क्या करती हैं ये लोग, बट सीरियसली हम लोग ऐसा ही करते हैं। ये आप इसे ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे नॉर्मल ऐसे, एंड आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। हाँ ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत लॉन्ग हो जाता है, सिंगल चेन रहती है बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा, बट ऐसे डबल है ना तो ये काफी छोटा है, इसे इजीली ऐसे ऐसे हाथों पे भी ऐसे भी ले सकते हैं एंड अपने शोल्डर पे भी ले सकते हैं। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। दैट्स इट। एक और है ये वॉल हैंगिंग, इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैंने जैसे सोचा था वैसा मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है, बट ऐसे इसका प्राइस में भी समथिंग कुछ 160 या कुछ कुछ ऐसा पड़ा था, तो ठीक है इतने कम प्राइस में आपको क्या चाहिए, अच्छा है तब भी। 1 मिनट में आपको दिखा रही हूँ, ये बार बार पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस पे लिखा है गुड वाइब्स ओनली, मैंने अपने वीडियो के लिए लिया था। यहाँ 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 ऐसे लगाएं कैसा लगेगा, इधर साइड पे नहीं अच्छा लगेगा, देखते हैं इसे कहाँ लगाती हूँ मैं। वैसे तो घर ही के लिए मैंने लिया था कि घर पे लगा दूंगी। इसकी क्वालिटी ठीक है ना, काफी भी एक होता नहीं है उसको क्या बोलते, कार्डबोर्ड टाइप का, हाँ कार्डबोर्ड टाइप का है ये थोड़ा थोड़ा, पर ठीक ही है, काफी अच्छा है, क्वालिटी ठीक है, प्राइस वाइज काफी काफी ज्यादा ठीक है। और कुछ नहीं है ना। हाँ और कुछ नहीं है। सो या गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।